आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जियो टैगिंग क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और ये कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं जियो टैगिंग क्या होती है। जियो टैगिंग क्या होती है, किसी भी जगह को हम वो ज्योग्राफिकली कहाँ स्थित है उसको जानने के लिए हम जियो टैगिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको अटैच करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जियो टैगिंग क्या होती है और कैसे की जाती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो जियो टैगिंग का मतलब होता है किसी भी जगह को या पिक्चर को या वीडियो को हम लोग उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन से अटैच कर देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि वो जगह कहाँ स्थित है या फ़ोटो वो कहाँ पर लिया गया है, वीडियो कहाँ से ली गई है। तो इसके लिए हम लोग जो है गूगल मैप का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले मैप्स में जाएंगे। तो मैप में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे एक ब्लू, नीचे आपको राइट साइड में ब्लू जो आपको डायरेक्शन का लग दिख रहा है एरो, उसके ऊपर एक स्पॉट है, सर्कल स्पॉट है। इसको आप, ये जीपीएस का साइन है, जीपीएस साइन को पहले आप जो है ब्लू कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। उसके बाद जिस लोकेशन पे आप हैं, देखिए मेरी लोकेशन ये ब्लू डॉट की है, तो मैं यहाँ इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो इसमें ऐड कंट्रीब्यूशन पे चले जाइए आप। कंट्रीब्यूशन पे आप जाएंगे जैसे ही, तो ऐड प्लेस आ रहा है यहाँ पे, देखिए। तो हम इसमें प्लेस का नाम ऐड कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भगवती है। तो हम लिखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भगवती, कैटेगरी में देख लीजिए आपकी कैटेगरी इसमें है, नहीं है तो आप इस सर्च बार में जाके अपनी कैटेगरी हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल लिख सकते हैं। और ये हॉस्पिटल पे फिलअप क्लिक कर दीजिएगा, हॉस्पिटल जाएगा। एड्रेस रिक्वायर्ड में आप वैलिड एड्रेस लिख दीजिएगा। यहाँ भगवती का आप जो है पीओ लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस PO। भगवती और पिन इसका 26 36 58 है। तो ये हो गया। अब और मोर डिटेल में आप देखिए, मोर डिटेल में इसमें क्या है, आवर खुलने के आवर्स क्या हैं ये देख लीजिए। एडिट आवर में जाएंगे तो ये आप इसमें ब्लू में सब ओपन है, तो ओपन वाले में आप ओपन टाइम में आप लिख लीजिए यहाँ पे। फिर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, ये आप क्लॉक में मत जाएगा, लेफ्ट साइड में कीबोर्ड है, कीबोर्ड को क्लिक करिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए गर्मियों का टाइम ही लिख लीजिए, 8 से 2 का हमारा रहता है, सेट कर दीजिए। फिर इसमें आप लिख लीजिए 2 बजे तक का टाइम, और इसको भी सेट कर लीजिए। संडे को क्लोज रहता है, संडे को आप ब्लू मत करिएगा, सेव कर लीजिए। सेव करके आ गया आपका, ये फ़ोटो ऐड करनी है तो फ़ोटो ऐड कर लीजिए, फ़ोटो ऐड हो जाएगी, डन। सेव कर लीजिए। फ़ोन नंबर अगर ऑफिशियल है तो कर दीजिए आप, ओपनिंग डेट कोई है करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसको, और देखिए यहाँ पर लिखा है गूगल विल ईमेल यू अबाउट योर स्टेटस,
ऑफ़ योर एडिट्स। तो जो आपके एडिट्स है उसके बारे में गूगल स्टेटस आपको मेल के द्वारा जिस एंड्रॉयड फ़ोन से आप कर रहे हैं उसके बारे में बताएगा, तो उसको सबमिट कर दीजिए आप। अभी एड्रेस रिक्वायर्ड मांग रहा है एड्रेस। तो ये मैं इसे सबमिट करता हूँ। सबमिट नहीं हो रहा तो देखिए कहीं पे कुछ है, ये जैसे एड्रेस रिक्वायर्ड इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें एड्रेस आप लिख दीजिए पूरा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भगवती डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, अभी सबमिट हो रहा है। देखिए थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर गूगल मैप। इसमें आपका जो है ये आपको मेल आ जाएगी, मेल से आपको बता देंगे कि आपका हो गया है। तो हम लोग बैक जाते हैं, अब हम एक्सप्लोर पर चले जाएंगे फिर से। और हम अब क्या करेंगे, हम लोग जब तक हम लोग हमसे उसका लेटिट्यूड लॉन्जिट्यूड तो देख ही सकते हैं हमने, जहाँ पे ये है ये मैं इसमें हूँ इस समय यहाँ पे, अभी ये आया नहीं है, इसमें टैग नहीं हुआ है, टैग होगा देर लगती है इसमें, तब तक हम इसके लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देखते हैं। तो इसको आप जैसे पिन अप करेंगे यहाँ ऊपर जो है आपको लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों ही आपको दिखाई देगा, 29.851487 पूरा लिखिएगा। ये हो गया आपका लेटिट्यूड, और लॉन्जिट्यूड में हो गया आपका 79.306127। ये दो चीज़ तो हो गई। अब फिर हमको लगना, अब इसमें हमें एल्टीट्यूड भी चाहिए। एल्टीट्यूड में क्या करिए, फिर आप ये मैंने आपको बताया, फिर से आप क्या करिए, जो ऊपर आपके राइट साइड में आपको एक स्क्वायर दिख रहा है डबल स्क्वायर, इसको आप क्लिक करिए, इसमें आप टेरेन वाले में ले आइए, इसको टेरेन वाले में क्लिक करिए, यहाँ से क्रॉस करिए, थोड़ी देर रुकिए। अगर यहाँ पे देखिए जीपीएस आपका ऑन नहीं, तो फिर से जब जीपीएस ऑन कर दीजिए तुरंत आपको टेरेन वाला व्यू आ जाएगा। इसमें इसमें आपको देखना ऐसे है कि आपको जो ये लाइनिंग्स हैं, लाइनिंग्स में आप देखेंगे, लाइनिंग्स में आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, कहीं पे 1200, कहीं पे, फिर से इसको ऑन कर लीजिए, ये बार बार बंद हो जाता है। तो उसको ये इसका टेरियन जो है 900 मीटर आ रहा है लगभग, ये दिख रहा है जिस लाइन से आपका फैसिलिटी होके जाएगी उसी लाइन पे वही होगा। तो कहीं 1000 भी है, कहीं 1100 है, तो ये लगभग 900 मीटर में पर है ये इसका एल्टीट्यूड। तो इस एल्टीट्यूड को आप नोट कर लीजिए, और ऊपर आपको लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन आप भेज दीजिए, और फिर आप देख लीजिएगा, आपका कन्फर्मेटरी मेल आ जाएगी और आपका ये टैग हो जाएगा, जियो टैग। थैंक्स यार।